अगर आपके पास Redmi, Xiaomi या Poco का डिवाइस है तो ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ Redmi और Poco डिवाइस में HyperOS 1.5 और HyperOS का नया अपडेट रोल आउट किया गया। अगर आपको जानना है कि ये लिस्ट में आपका डिवाइस है कि नहीं तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो। पसंद आता प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को टैप करो और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट डिवाइस है पोको F6। अगर आपके पास पोको F6 है तो पोको F6 में HyperOS 1.0.4.0 का नया अपडेट रोल आउट किया गया। इसका साइज़ है 397 MB का और इसमें आपको वर्ड्स नहीं मगर आप जाइए तो इसमें आपको बहुत कुछ देखने मिलता है चेंजेस, जो कि अच्छा बात है। सिस्टम में आपको देखने मिलता है अपडेटेड सिक्योरिटी पैच 2 जुलाई 2024, जो कि जुलाई का अपडेट देखने मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और ये मेरे को भी अच्छा लगा कि सेम मंथ का सिक्योरिटी पैच। फिर आपको देखने मिलता है आपका कंट्रोल सेंटर में बग फिक्सेस, जो कि आपका एक्सीडेंटली फोर्स टू फेल टू वर्क होता था। और फिर आपको देखने मिलता है लॉक स्क्रीन में ऑप्टिमाइजेशन, नाउ प्रेस एंड होल्ड टू एडिट लॉजिक फॉर लॉक स्क्रीन रिड्यूसेस एक्सीडेंटल ट्रिगर्स। ये फिक्स हुआ है, चूँकि मोस्ट प्रॉब्ली सभी डिवाइसेस में प्रॉब्लम था, जो भी जिसमें भी HyperOS है। और फिर आपको देखने मिलता है स्टेटस बार और नोटिफिकेशन सेट, जिसमें कि बहुत कुछ फिक्सेस हुआ है जो कि आप खुद से रीड कर सकते हैं। जो भी आपका सिंगल लाइन, डबल लाइन और कुछ जो फिक्स शो नहीं होता था, वो सब सभी कुछ इसमें फिक्स हो चुका है अपडेट में। और फिर आते हैं पोको X6 Pro 5G में भी HyperOS 1.5 का अपडेट जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि HyperOS 1.5 का अपडेट ऑफिशियली चाइना में रोल आउट कर दिया गया है। Redmi K60 या K70E को, मेरे को नाम में थोड़ा 60 या 70 में कन्फ्यूजन है, बट हाँ जो है रोल आउट कर दिया गया। और वही इंडिया में आपका पोको X6 के नाम से है, तो उसमें भी जो जल्दी देखना मिल जाएगा HyperOS 1.5 का नया अपडेट। अब देखते हैं उसके बीच में कुछ जुलाई का अपडेट आएगा या डायरेक्टली जुलाई का अपडेट HyperOS 1.5 के साथ ही देखने मिलेगा, वो तो देखना पड़ेगा। और अगर आपके पास पोको X6 Pro 5G है तो यार सब्सक्राइब करके जाओ, ऐसे मत जाओ, और बाकी डिवाइस तो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें तो सब कुछ मिल जाएगा चैनल पे। और आपका थर्ड डिवाइस है Redmi Note 13 Pro 5G या इंडिया में बोले तो Poco X6 5G। और अगर आप Poco X6 है तो आपको जल्दी जो है HyperOS का नया अपडेट मिलेगा, जिसमें कि बेसिकली जून का अपडेट होगा सिक्योरिटी पैच का और बग फिक्सेस होगा। अब देखो दूसरा रीजन में दूसरा वर्जन होता है, नंबर्स खाली चेंज होता है, ज़्यादा कुछ चेंज लॉक चेंज नहीं होता है। तो आप पोको X6 में भी जल्दी अपडेट मिलेगा, वेट करो, जल्दी मिलने वाला है Redmi Note 13 Pro 5G। और उसके बाद लास्ट डिवाइस है Redmi Note 11 Pro Plus 5G या पोको X4 Pro। तो अगर आपके ये दोनों डिवाइसेज हैं तो इसमें भी जल्दी HyperOS का नया अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत पहले अपडेट आया था, मार्च में अपडेट आया था और अभी आपका जुलाई में आएगा जून का अपडेट के साथ। तो अब देखते हैं बग फिक्सेस क्या होगा, बट हाँ इसका भी अपडेट जो है आपका ग्लोबली दूसरा रीजन्स में रोल आउट किया गया, तो जल्दी जब इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, ग्लोबली हो जाता है तो इंडिया में भी एक दो सप्ताह मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं Redmi Note 11 Pro Plus 5G और Poco X4 Pro। तो देखो ठीक है, और इसमें आपका HyperOS 1.0.5.0 आया जून का अपडेट के साथ, तो शायद नंबर चेंज होगा, ऑब्वियसली वो यही होता है, अब देखते हैं क्या होता है। बट हाँ ये सब डिवाइस में जल्दी HyperOS का नया अपडेट आने वाला है या एक डिवाइस में आ चुका है, बस वेट करो। और पसंद आ वीडियो इन्फॉर्मेशन और आपको ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।